Hey everyone, welcome to the competitive classes. So first of all, thank you very much for such a tremendous response of our previous analysis, and I hope aap sabke liye wo helpful bhi raha ho. Kafi students ko help mili ho ki kis tarah se unhone exam attempt karna hai, jo bhi next shift mein hone wala ya aane wali shift mein hone wala exam hoga. So अब जैसा कि डे वन जो है वो ख़त्म हो गया है, सारी की सारी शिफ्ट्स 1, 2, 3, 4 जो हैं वो ओवर हो गई हैं, एंड अब टाइम है हमको ये एनालाइज करने का कि चारों शिफ्ट में डिफरेंस क्या था, क्या क्या क्वेश्चंस जो थे वो आ रहे थे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी जो एक शिफ्ट में ही एक में नहीं आई, लाइक क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी या इजी थी. सो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ आप सब स्टूडेंट्स का, जिनका भी जो भी वेरियस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आपको वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और अपनी अटेम्प्टेशन बतानी है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट ए कट ऑफ ऑल्सो. हम ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि अभी तक जो बच्चे स्कोर करके आ रहे हैं वो कितना स्कोर करके आ रहे हैं, राइट. तो चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस तो आपने देख ही लिया होगा. अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा, या आई बटन में आपको उसका एनालिसिस बता दूंगा. बट उसके बाद हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट रही हैं, जो कि अभी ही थोड़ी देर पहले खत्म हुई है. फोर्थ शिफ्ट अभी ही थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, तो मैंने सब शिफ्ट का डिफरेंटली ना करके मैंने ट्राई किया कि मैं एक ही शिफ्ट में, एक ही वीडियो में सभी शिफ्ट का एनालिसिस दे पाऊँ, ताकि आप स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट ना हो एंड हमारी भी एनर्जी वेस्ट ना हो, राइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की. तो इंग्लिश सेक्शन का सेकंड, सब कुछ मैं साथ साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हर एक चीज़ साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या आता रहा था, ठीक है. सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले शिफ्ट सेकंड की बात करता हूँ. सबसे पहले इसमें क्या रहा था, क्लोज टेस्ट रहा था, क्लोज टेस्ट. एज पर माई इंफॉर्मेशन इसमें 8 to 10 क्वेश्चन थे. इस क्लोज टेस्ट में 8 to 10 क्वेश्चन थे एज पर माई इंफॉर्मेशन, ठीक है. मैं नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्टूडेंट्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अराउंड 8 क्वेश्चन थे जो यहाँ से आए थे, ठीक है. यहाँ पे क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है. थर्ड शिफ्ट में क्लोज टेस्ट में से, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड शिफ्ट में क्लोज टेस्ट में से 5 क्वेश्चन आए थे, एंड फोर्थ शिफ्ट में भी क्लोज टेस्ट में से 5 क्वेश्चन आए थे. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेल्फ गिवन एनालिसिस. ये एनालिसिस जो है ये मुझे यहाँ आगे पीछे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो की है वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, राइट. इसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो था वो 10 मार्क्स ईच, ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पे भी, 10 मार्क्स यहाँ पे भी, 10 मार्क्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस वॉज अ स्टोरी बेस्ड, ठीक है. हमने देखा था कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पैसेज आया था इट वॉज स्टोरी बेस्ड, और इसमें भी जो पैसेज है आपका स्टोरी बेस्ड है, 10 मार्क्स, इट वॉज वेरी ईजी, ठीक है, एंड दिस टू वॉज वेरी ईजी. सेकेंड शिफ्ट की बात करूँ तो इसमें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे वाटर ग्लास की स्टोरी चल रही थी, यहाँ वाटर ग्लास, ठीक है, वाटर ग्लास की, जितना आप ग्लास को टाइट होल्ड करके रखो तो उतनी पेन देगा, समथिंग लाइक दैट, दैट स्टोरी वॉज गोइंग ऑन हेयर. सो यहाँ पे क्लोज टेस्ट में 8. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पे एक स्टोरी आई थी, दिस वॉज ऑल्सो स्टोरी बेस्ड, और स्टोरी किसकी थी, ए बॉय एट एयरपोर्ट, ठीक है, ए बॉय एट एयरपोर्ट, ठीक है. ये स्टोरी बेस्ड पैसेज आया था. थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का मुझे टॉपिक नहीं पता लग पाया, लेकिन अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को याद हो कि कौन से टॉपिक्स आए थे तो मुझे प्लीज़ मेंशन कर दो, मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक कमेंट में पिन कर दूंगा, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हों उनको पता लग जाएगी क्या क्या इसमें आया था, राइट. और कहीं पर मैं गलत हो रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन करना, राइट. इसके बाद एरर्स, ठीक है, एरर्स एक्चुअली आपको दो तरह के आ रहे हैं, एक सेंटेंस एरर आ रहे हैं, एक सेंटेंस बेस्ड एरर आ रहा है, और एक मिसस्पेल्ट वर्ड आ रहा है, मिसस्पेल्ट, ठीक है. तो 5 फ्रॉम ईच, ठीक है, यहां पे भी 5, यहां पे 5, यहां पे, तो आप देख रहे हो कि कोई भी डिफरेंस नहीं है पैटर्न में, ठीक है, जो चल रहा है सब सेम चल रहा है, और ये बहुत ईजी लेवल की आ रही है, ठीक है, ईजी लेवल, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ईजी लेवल, ठीक है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको 2 आए थे आपको रीअरेंजमेंट यहां पे 2 आए थे, क्योंकि ये 8 यहां से, तो ये 10 मार्क्स उन्होंने यहां से पूरे कर दिए, ये 10 मार्क्स यहां से पूरे कर दिए. इसके अलावा आपको यहां पे रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स की आई थी, और यहां पे रीअरेंजमेंट आपको 5 मार्क्स की आई थी. इसके अलावा कुछ कितने मार्क्स हो गए हमारे, 8, 10, 20 और 31, तो 30 मार्क्स, दिस इज ऑल, ठीक है. ये कितने मार्क्स हो गए हमारे, 10, 20
और 30, तो टोटल मार्क्स 30 जो थे इंग्लिश के वो थे। अगर मैं लेवल प्रिडिक्ट करूँ तो लेवल, दिस इज अ वेरी इजी लेवल, वन कैन इजिली स्कोर 23 to 28। कुछ स्टूडेंट्स 80 भी स्कोर कर, 30 भी स्कोर करके आएंगे, लेकिन अगर आप 23 से 24 से 28 के बीच बीच में रह रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ गुड स्कोर इन इंग्लिश। ठीक है, आपके इंग्लिश में काफ़ी अच्छे स्कोर हैं, एंड दिस वॉज इजली डूएबल, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम सेकेंड थर्ड शिफ्ट ऑफ इंग्लिश सेक्शन। देन अब हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन की। तो एज पर माई इंफॉर्मेशन, जो मुझे डेटा मिला है, उसमें सेकेंड शिफ्ट में क्वांट की बात अब करते हैं हम। चलिए क्वांट की बात करते हैं अभी हम। अब हम क्वांट की बात करेंगे, या आप कह सकते हो दिस होल पेपर वॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, जो हमारी प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, हमने अराउंड 30 वीडियोस उसकी, अराउंड 25 to 30 वीडियोस जो हैं उसकी पोस्ट की हैं। हमने 25 से 30 वेरियस प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट किए थे। वो आप प्लेलिस्ट में लिंक देख सकते हो, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जिनके आगे एग्जाम है उनको बहुत हेल्प आने वाली है। तो मैंने उसमें मैक्सिमम फोकस किया था क्वाड्रेटिक पे, नंबर सीरीज पे, सिंप्लीफिकेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन, सबसे अच्छी बात क्या है कि सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में 15-15 मार्क्स की आई है गाइस, 15 मार्क्स ईच। सेकंड शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में भी, फोर्थ शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी 15 मार्क्स की सिंप्लीफिकेशन आई थी। वो आप सबने देख लिया है मेरा एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का। इसके बाद आपको क्वांट में और क्या था, ठीक है, क्वांट में आपको डीआई आई है, डेटा इंटरप्रिटेशन आई है, इसमें आपको टेबल आई थी, इसमें आपको टेबल डीआई आई है, फर्स्ट शिफ्ट में आपको लाइन ग्राफ आया था, सेकंड शिफ्ट में आपको टेबल डीआई है, ठीक है। थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, थर्ड शिफ्ट में डीआई कौन सी आई थी आपको, बार ग्राफ डीआई थी, तो आप देख रहे हो बार ग्राफ डीआई थी। फोर्थ शिफ्ट का आई थिंक एज पर माई सोर्सेज उन्होंने बताया था कि बार ग्राफ डीआई ही आई थी, ठीक है। तो पहली शिफ्ट में आपको लीनियर अरेंजमेंट आया, लीनियर डीआई आई थी, लाइन ग्राफ डीआई आई थी, सेकेंड में आपको टेबल डी आई आई है, बार डी आई है, एंड इसमें भी बार आई है। तो थर्ड फोर्थ शिफ्ट की मैंने सुना है काफ़ी कैलकुलेटिव थी, इट वॉज अ बिट कैलकुलेटिव, एंड फर्स्ट शिफ्ट की डी आई भी बहुत कैलकुलेटिव थी, एंड आई एज्यूम कि ये भी कैलकुलेटिव होगी। अच्छा, जो टेबल डी आई थी इसमें आपको फ्लैट था, फ्लैट वन एंड फ्लैट टू के बारे में डेटा गिवन था, और आपको वो कंपैरिजन करना था। प्लीज़ करेक्ट मी इफ रॉन्ग, आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें क्या आया था, इसमें क्या आया था, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स पढ़ के भी देख पाएं कि उनमें क्या क्या आया था, और अपने अटैम्प्ट भी बताओ। जिन स्टूडेंट्स का आज एग्जाम हुआ वो अटैम्प्ट अपना प्लीज़ बताएं, ठीक है। चलो इसके बाद आपको नंबर सीरीज 5 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में आपको मिसिंग नंबर थी, और यहाँ पे जो थी वो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, एंड इसमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो इजीली डूएबल थे, 3 क्वेश्चन जो थे बड़ी आसानी से कर सकते थे। इसमें भी आपको 5 नंबर सीरीज आई थी, और वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, एंड 3 इसमें भी डूएबल थे, 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे। 2 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचते, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती तो आप इजीली उसको भी कर पाते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फिफ्थ शिफ्ट में आपको नंबर सीरीज नहीं दिखी, फोर्थ शिफ्ट में आपको नंबर सीरीज नहीं दिखी, इसकी जगह आपको क्या दिखा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आई, सेकंड में नहीं आई, थर्ड में नहीं आई, फोर्थ में आपको क्वाड्रेटिक दिखी है 5 मार्क्स की। तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि 25 मार्क्स जो होंगे वो आपके यही 4 टॉपिक से आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, 25 मार्क्स आपके यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो 15 मार्क्स यहां से, 5 मार्क्स यहां से, 5 मार्क्स यहां से, तो 15 ये 25 हो गए, 15 5 5 15 5 5, 25 मार्क्स आपके यहीं से आ रहे हैं। एंड अर्थमेटिक जो था, अर्थमेटिक मैंने सुना थोड़ा सा लेंथी आया था, अर्थमेटिक जो था इट वॉज 10 इन एवरी शिफ्ट, अर्थमेटिक जो था वो 10 था हर एक शिफ्ट में। सो दिस वॉज द कंप्लीट एनालिसिस। अब क्वेश्चंस जो थे, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइज, अगर आप में से स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन याद है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे, तो आप प्लीज इस नंबर पे, आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट ना भी कर पाओ तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आए थे इसमें, सो दैट हम ये क्वेश्चन जो है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएं, एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कि क्वेश्चन के लेवल क्या आ रहे हैं, राइट। तो दिस वॉज द कम्प्लीट एनालिसिस। इसमें आप अगर अराउंड
23-28 स्कोर करके आ रहे हो, वैसे तो 35 क्वेश्चन जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो आराम से करके आ सकते थे, ठीक है, लेकिन स्टिल ये दिमाग में रखते हुए कि आपका अर्थमेटिक थोड़ा सा लेंथी आया था, तो अराउंड 27 तक जो है अटेम्प्ट जो है वो आपकी गुड अटेम्प्ट मानी जा सकती हैं, ठीक है, चलिए। एंड आई अगेन रिपीट, दिस इज नॉट अ वर्ड ऑफ माउथ, ये वो नहीं है कि जो मैंने अगर बोल दिया कि इतनी ही अटेम्प्ट अच्छी हैं तो वो सही हो जाएगी बात, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ चीज़, बिकॉज मैंने और भी वैकेंसीज देखी थी जो कि आपके IBPS क्लर्क की, उसमें भी कट ऑफ को सबको चीज़ों को एनालाइज करते हुए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपकी गुड अटेम्प्ट क्या हो सकती हैं, ठीक है, चलिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की तरफ, देखते हैं सिर्फ शिफ्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में रीजनिंग का क्या टॉपिक्स थे, क्या उनकी वेटेज थी, तो मैं ये इंडिविजुअली बताऊंगा, बिकॉज रीजनिंग जो थी आपकी मैक्सिमम शिफ्ट में डिफरेंट थी, ठीक है, किसी में कुछ चीज़ आई थी, किसी में कुछ आई थी, तो वो सब चीज़ें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में डायरेक्शन के आए थे, डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे, नॉर्मली डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, प्लीज करेक्ट मी इफ रॉन्ग, जिसका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था क्या मुझे बताना कि डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे या 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चन जो थे वो आए थे कोडिंग डीकोडिंग के, एंड आप जानते हो कि कोडिंग डीकोडिंग जो है वो कौन सी आ रही है, आपको चाइनीज कोडिंग आ रही है एंड ईजी लेवल की आ रही है। देन वी हैव पजल्स जो थी वो 3 पजल्स आई थी आपको, बॉक्स, एक बॉक्स बेस्ड, ठीक है, इसके बाद एक लीनियर पजल थी और इसके बाद एक सर्कुलर पजल थी, तो दिस कैरिड 15 मार्क्स, इसके 15 मार्क्स, तो पहला टॉपिक आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा पजल्स रही। देन फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, ठीक है, एंड दिस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंटेन्ड 5 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स थे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन जो था आपका ये 3 मार्क्स का आया था, एंड ब्लड रिलेशन और मिसलिनियस टॉपिक्स जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2 आए थे। तो ओवरऑल दिस शिफ्ट वाज आल्सो वेरी इजी, 3 पजल्स थी, इसमें से तीनों इजी थी, ठीक है, तीनों इजी थी, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही स्टूडेंट्स को करने में। तो आप इस शिफ्ट में अराउंड 27+ क्वेश्चन जो थे वो कर सकते थे बड़े ईजीली, ठीक है। नेक्स्ट की अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो नेक्स्ट की बात करूं तो शिफ्ट 3 में रीजनिंग का क्या आया था, सबसे पहले शिफ्ट में इनइक्वालिटी, ठीक है, अच्छा इस शिफ्ट में इनइक्वालिटी नहीं दिखी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में हमको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस दिखे थे, इसमें इनइक्वालिटी नहीं दिखी, इसमें ब्लड रिलेशन के मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए, लेकिन इस शिफ्ट में अगेन इनइक्वालिटी आपको दिखी, कितने मार्क्स की, 5 मार्क्स की इजी इनइक्वालिटी, सिंगल लाइनर्स, ठीक है। देन आपको यहां पे दिखे साइलॉग, अच्छा साइलॉग पहली 2 शिफ्ट में सैलॉग नहीं आया, पहली 2 शिफ्ट में सैलॉग नहीं आया, लेकिन थर्ड शिफ्ट में आपको सैलॉग दिखा, ठीक है, एंड इट वॉज अ सिंपल सैलॉग जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, उसके अकॉर्डिंग ये सैलॉग जो था ये नॉर्मल सिंपल सैलॉग आया था, इसमें ओनली फ्यू वाला केस नहीं थे, अगर होगा भी तो एक क्वेश्चन होगा ओनली फ्यू वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें भी पजल्स आई थी, 3 पजल्स आई थी 15 मार्क्स की, तो 5 ये हो गए आपके कितने मार्क्स, 25 मार्क्स हो गए। इसके अलावा आपको अल्फा न्यूमेरिक जो कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी दिखी थी, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 5 मार्क्स की, एंड इसके अलावा आपको कोडिंग डीकोडिंग 5 मार्क्स की, तो ये आपके कितने मार्क्स बन गए, 35 मार्क्स टोटल बन गए, राइट। तो दिस वॉज योर सेकेंड शिफ्ट जिसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये स्टूडेंट से लिए गए क्वेश्चन है, मैं इनको बिल्कुल ये नहीं बता रहा कि ये बिल्कुल श्योर हैं कि यही क्वेश्चन आए थे, अगर श्योरिटी चाहिए तो इसके लिए आपको ही कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सेकेंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आप लोग ही इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करोगे, ठीक है, इसको इसका प्रूफ आप ही दोगे कि आप जिन्होंने एग्जाम दिया वो बताएंगे कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चंस थे कि नहीं थे, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो अपना स्कोर, अपना गुड, अपने अटेम्प्ट्स भी और अपना स्कोर भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सॉरी स्कोर तो कैसे बताओगे अभी, चलो नेक्स्ट रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में आपको फिर से यहां ब्लड रिलेशन मिला था, ठीक है, 3 मार्क्स का। इसके बाद पजल्स आई थी हमको, 3 पजल्स आई थी, जिसमें एक क्या आई थी, एक आई थी आपको सर्कुलर पजल, ठीक है, सर्कुलर आई थी। इसके अलावा आपको एक वेट बेस्ड पजल आई थी, ठीक है, एंड डायरेक्शन बेस्ड पजल आई थी, ठीक है, ये आपके 15 मार्क्स यहां से बन रहे थे, ठीक है। इसके अलावा आपको सिलॉगिज्म आया था,
पांच मार्क्स का, तो 15 और 5 20 20 और ये 26 हो गए। तो कुछ क्वेश्चंस आपके कहाँ से छूट रहे हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग होगी, प्लीज़ कंफर्म, मेरे अकॉर्डिंग कोडिंग डिकोडिंग आई होगी। एंड इसके अलावा आपको प्लीज़ मेंशन, कमेंट में मेंशन कर दो कि इसके अलावा और क्या आया था। तो फोर्थ शिफ्ट में ही आया था। दिस वाज द होल एनालिसिस जिसमें आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का मैंने बता दिया। फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल्ड एनालिसिस अलॉन्ग विद मेमोरी वेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के मॉर्निंग में बता दिया था, तो वो वीडियो भी आप देखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए थे, मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बोर्ड में आपको करवाए थे, ठीक है। इनके भी अगर क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए तो मैं ज़रूर दूंगा आपको। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप स्टूडेंट से, जिन स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन है वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो इसकी गुड अटेम्प्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग 27 प्लस जो थी वो गुड अटेम्प्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इट कैन बी अ गुड अटेम्प्ट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ पे हमारी क्लासेस में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करवा रहे थे, तो वो सीरीज हम ट्राई करेंगे हम कंटिन्यू रखें आपकी प्रैक्टिस जो है वो हम कंटिन्यू रखें, सो दैट जिनका आने वाले टाइम पे पेपर है, जिन स्टूडेंट्स का आने वाले टाइम में एग्जाम है, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको आने वाली अपडेट्स चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।